देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सलूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है, आपको सलूट सर। जय। नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सोनी आज सुबह टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। लगातार आप इस तरह देख रहे हैं कि पर्यावरण के सफर में हम लगातार पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए मुहिम छेड़ रखा हूं, और आप सभी भली भांति जानते भी हैं और आप जो है पर्यावरण के बारे में सचेत भी होते हैं। तो आइए आज प्रदूषण को स्वच्छ करते हैं, सुंदर बनाते हैं। शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, देहात हो, कहीं पर भी आप मौजूद हैं तो आप पेड़ पौधे एक आप लगाइए। पेड़ पौधे हमारे आपके लिए जीवन के रक्षक हैं और सबसे बड़ा जो है रक्षक है। तो आइए हम सब बचाते हैं इन एनवायरनमेंट को, पेड़ पौधे न काटें, पेड़ पौधे को लगाइए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कीजिए कि पर्यावरण हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और आइए हम सब सुंदर जगत जननी भारत माता को सुंदर बनाते हैं और आप सबके प्रयास से ही पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाते हैं। तो आप सब जो है जागिए और उठिए, चलिए। जी हाँ, आज सुबह टाइम्स लगातार लोगों को, विश्व के सभी लोगों को जागरूक करती है कि पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना है। तो आप सभी लोग जागिए और उठिए और सभी लोगों को बताइए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना अनमोल है, कितना स्वच्छता के साथ हमें जीने की एक अलग पहलू दिखाती है, और यह दिखाना भी चाहिए। लोगों को मनसा होती है कि पर्यावरण शुद्ध करना हम सभी के लिए। आज पूरा विश्व जो है इस जलवायु परिवर्तन हो या जलवायु की अनेक परिस्थितियों की प्रणालियाँ हों, सभी लोगों को आज चिंतित करती है। आज यह मिसाल कायम करती है कि पर्यावरण ही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है शुद्ध है। तो हम पर्यावरण को सही बनाते हैं, प्रदूषण को बाय बाय करते हैं। प्रदूषण को बाय बाय करने के लिए आप सबका प्रयासरत होना बहुत जरूरी है। आइए प्राकृतिक के सफर में हम सब मिलजुल कर सभी लोग पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण को बाय बाय करें। और जिस तरह से एनवायरनमेंट आज सेव करने की ज़रूरत है, सभी आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल को लेकर काफ़ी चिंतित भी रहती है और लगातार अपने अपने देश में लोग पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाते भी हैं। तो इस वजह से आज जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आज प्रदूषण हो, चाहे जो है एनवायरनमेंट को लेकर आज लोग चिंतित हों, तो आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी जो है आप पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास रत्न है। जिस तरह से आज लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर ग्लोबल के जो सोच विचार भी रख रहे हैं और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने का भी प्रयास करते हैं। जी, अपने आसपास, घर के आसपास आप पेड़ पौधे लगाइए, खेतों में पेड़ पौधे लगाइए, शहर में हैं तो आप पार्कों में जाकर पेड़ पौधे लगाइए और योगा कीजिए। सुबह उठिए और अपने तंदुरुस्ती को बनाए रखें। तरोताजा के साथ जीवन का एक अनमोल अंग है और इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। तो हवा, पानी, ये सब हमारे लिए सबसे बड़ा उपयोगी है और यह उपयोगी हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि इसका जो है पालन करें, इसका रक्षा करें, इसका हर चीज़ जो है करने की ज़रूरत है। आज हम सब आत्मनिर्भर बनने का भी संकल्प है और सभी लोग आज जिस तरह से कोरोना महामारी से लोग अस्त व्यस्त हैं, उसे देखते हुए लोगों को और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सावधानी पूर्वक से रहें, कहीं पर भी हैं तो आप सावधानी पूर्वक से रहें और पेड़ पौधे अधिक लगाइए। बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे अगले दिन और फिर आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल जरूर रखें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।